देखिए बच्चों की फरमाइश हो रही है, मैं इंशाल्लाह अल्लाह पढ़ूंगा। जानते हैं कलाम बेहतर है, मेरी आवाज अच्छी नहीं है, वो कलाम ही बेहतर है। और हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि मैं रौज़े रसूल की ज़ियारत करूं, क्योंकि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है मन ज़ारतु बती वजबत लहु शफा, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उसके ऊपर मेरी शफाअत वाजिब हुई। आवाज मत देखिएगा माशरा साहब, बस कलाम को देख देख दरूद पाक पढ़ तो मैं कुछ ना अल्लाह का शुक्रिया अदा मदीना दिल है जिसके सीने में यकीनन नबी की मोहब्बत भरे दिल वाले हो, उनके दिल में मदीने जाने की तड़प नहीं है। और मैं भी इसलिए नाक पढ़ रहा हूँ ताकि बारगाहे खुदावंदी के साथ साथ बारगाहे नबी में मकबूल हो जाए। अल्लाह मुझे उस रोजे की जियारत नसीब फरमा दे। अभी जिंदगी बेवफाई न करना, अभी जिंदगी बेवफाई न करना, अभी सबसे गुंबद को देखा नहीं है, अभी जिंदगी बेवफाई न करना, अभी सबसे गुंबद को देखा नहीं है। और शायद नबी की बारगाह में अरीज़ा पेश कर रहे, या रसूल अल्लाह अपने पास इतने माल नहीं, इतनी दौलत नहीं कि आपके बारगाह में पहुंच सकूं, मगर आपकी मोहब्बत है, आपकी ज़ियारत की इश्तियाक इस दिल में, तमन्नाएं मचल रही है या रसूल अल्लाह, ख्वाब में ही सही आप अपनी ज़ियारत मुझे करा दीजिए। सुभान अल्लाह, मैंने कभी नहीं इरशाद फरमाया जिसने ख्वाब में मुझे देखा सच में देखा, क्योंकि मेरे नबी की शक्ल में कोई नहीं आ सकता। समाज की जो शायद क्या कहता है, आके तरस रही है, ज़ियारत के वास्ते मेरे नबी
अपने उम्मती को, जब पैदा हुए तब रब्बे हबली उम्मती, और आका के जब रूह परवाज जिस्वत करने के लिए फरिश्ते आए, आका ने फरमाया ए रब्बे कदीर मेरे उम्मत को तकलीफ न पहुंचने पाए जितनी सख्तियां हैं मेरे ऊपर डालने। और आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को लोग सताया करते थे, साहब ने कहा या रसूलल्लाह बदुआ फरमा दी, नबी ने फरमाया ए मेरे सहाबा सुनो, मैं दुआएं करता हूँ तुम आमीन कहते जाओ, सरकार दुश्मनों के लिए भी दुआएं करे। ऐसे नबी की उम्मती है। शायद क्या कहता है सुनिएगा, कि जो गालियां भी सुन के दुआएं दीबार बार, जो गालियां भी सुन के दुआएं कुर्बान जाइए, ए आमुनाकलाल मदीना बुलाइए, मदीना बुला पढ़ लाऊंगा सलिया।